किन्नौर तिब्बत के साथ भारत की सीमा पर हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में एक ऐसी जगह जिसे परी कथाओं की भूमि भी कहा जाता है। बर्फ से ढके पहाड़, गहरी घाटियां, गरजती सतलुज नदी और सेब के बाग किन्नौर की पहचान है। लेकिन हर साल मॉनसून आते ही लैंडस्लाइड्स की घटनाएं इस जगह को बेहद खतरनाक बना देती हैं। इसी साल दो बड़े लैंडस्लाइड्स में 37 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। कुछ दिनों बाद कई और लैंडस्लाइड्स भी हुए। ओ भाई, बस में जा रहे थे ना, कहीं जाएंगे रामपुर साइड, फिर आके गिर गई। जो मजदूरी करके लाके पैसे कटा करके मकान बनाया, वो भी चले गया। अब यहाँ से कहाँ जाऊँ। पिछले कुछ सालों से यहाँ के स्थानीय लोग इस क्षेत्र में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और तेजी से की जा रही सड़क विस्तार परियोजनाओं के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अब जेनरेशन की लड़ाई है और हमारे एग्जिस्टेंस का सवाल है, तो हम इस लड़ाई को अपने अंतिम सांस तक लड़ेंगे। पर्यावरणविदों ने भी इस इलाके की नाजुक टोपोग्राफी पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और अन्य निर्माण गतिविधियों के असर के बारे में चिंता जतानी शुरू कर दी है। पूरी एरोगेंस होती है कि मैं हिमालय क्या है मेरे सामने, मैं जैसा चाहूं मैं हिमालय को अपने हाथों से बदल सकता हूं। इस बात में कोई शक नहीं कि भारत को स्वच्छ ऊर्जा की जरूरत है और हाइड्रो पावर उस स्वच्छ ऊर्जा का एक अच्छा जरिया है। तो फिर क्यों इन प्रोजेक्ट्स का विरोध हो रहा है? हम किन्नौर के सुदूर इलाकों में ये पता लगाने के लिए गए कि आखिर वहां हो क्या रहा है। ग्यारह अगस्त को किन्नौर के निगुलसरी में गिरती चट्टानों की चपेट में आकर एक यात्री बस समेत कई गाड़ियां बह गईं और 28 लोगों की मौत हो गई। इस लैंडस्लाइड हादसे ने न केवल हिमाचल बल्कि पूरे भारत को झकझोड़ कर रख दिया। इस लैंडस्लाइड में लच्छी देवी ने अपने 27 वर्षीय बेटे प्रभुलाल को खो दिया। वो उस यात्री बस में सवार थे जो राजधानी शिमला की तरफ जा रही थी। कौन है सारा, अब बूढ़े कमा के नहीं सकेंगे, कुछ नहीं है हमारे को, सारा तो कुछ नहीं है, जो भी करे सरकार हमारे को। सारा मलबा से तबाह हो गए, मैं भी गई थी वहाँ पे, चार दिन बाद मिला भैया का डेड बॉडी। चार दिन बाद मिला जी, हमारे को तो दिखाया भी नहीं, तड़पते रह रहे हम तो। पिछले साल मार्च में इस परिवार ने अपने छोटे बेटे को एक हादसे में खो दिया था। प्रभुलाल की लैंडस्लाइड में हुई मौत ने इस परिवार का इकलौता सहारा भी छीन लिया है। प्रभुलाल की 70 वर्षीय दादी जगमणि की नम आंखों में उनके पोते के इंतजार के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आता। किन्नौर में हुई इस लैंडस्लाइड के कुछ ही दिन पहले 25 जुलाई को एक और बड़ी लैंडस्लाइड में 9 पर्यटकों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए। हाल ही में हुई इन दो बड़ी लैंडस्लाइड्स की घटनाओं ने किन्नौर में एक बड़ी बहस छेड़ दी है। किन्नौर के लोग इन लैंडस्लाइड्स को हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और सड़कें बनाने के लिए पहाड़ों में किए गए विस्फोटों और पेड़ों के काटे जाने का नतीजा मान रहे हैं। पिछले कुछ सालों में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के खिलाफ समय समय पर इस इलाके में आवाज उठती रही है, लेकिन हालिया लैंडस्लाइड्स ने उन आवाजों को मानो एक आंदोलन की शक्ल दे दी है। कभी नहीं पूछे हम लोग, इनके पास परमिशन पूछने नहीं पूछे हम लोग, अब दो घंटा लड़ते रहे वहाँ पर। कुछ ही दिन पहले किन्नौर के जिला मुख्यालय रिकांगपियो में लोग अपना रोष दिखाने के लिए सड़कों पर उतर आए।
हमारे जो भविष्य में जो हमारा जो नुकसान होगा उसको लेकर हम चिंतित हैं। हमारे आने के बाद हमारे यहाँ पे चश्मे सूख गए, नदी नालों के स्रोत कम हो गए, बेमौसमी बर्फबारी हो गई। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के खिलाफ लोगों के विरोध ने अब एक नई शक्ल इख्तियार कर ली है। किन्नौर के कुछ इलाकों में युवाओं ने नो मींस नो यानी ना का मतलब ना अभियान शुरू कर दिया है। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का अगर हम स्टैटिस्टिकली वो करें तो हमारे को हमारा जो नीड है बिजली का तो 3 से 4 मेगावाट का है, तो इसी छोटे से डिस्ट्रिक्ट में लगभग 3000+ मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन हो रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि इनफ इज इनफ, नो मींस नो। अब जेनरेशन की लड़ाई है और हमारे एग्जिस्टेंस का सवाल है। सोशल मीडिया इस मुहिम को आगे बढ़ाने में इन युवाओं की मददगार साबित हो रही है। किन्नौर के कई इलाकों में नो मींस नो के पोस्टरों और बैनरों के जरिए ये युवा सतलुज नदी और किन्नौर को बचाने का संदेश दे रहे हैं। नो मींस नो का मतलब ये है कि इन्होंने जैसे ये कह रहे हैं कि सर्वे इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा आप लोगों के यहाँ पर, उसके बाद हम एनओसी लेने के लिए आएंगे, तो हम चाहते हैं कि सर्वे इन्वेस्टिगेशन में भी सरकार का पैसा वेस्ट ना हो, क्योंकि वो है तो पब्लिक में नहीं फाइनली, तो हम चाहते हैं कि वो पैसा भी वेस्ट ना हो और ये कोई भी एक्टिविटी यहाँ पर ना हो। जहां एक तरफ किन्नौर के लोगों में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा है, वहीं स्थानीय प्रशासन का इस मामले को लेकर नजरिया कुछ अलग है। साइंटिफिकली हमने जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वालों को यहां बुलाया था यही देखने के लिए कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दीज लैंडस्लाइड्स। ये एक्चुअली इनकी वजह से पावर प्रोजेक्ट्स की वजह से नहीं है। वन रीजन दैट दे हैव कोटेड इज क्लाइमेट चेंज, बिकॉज अब बारिशें ज़्यादा हो रही हैं यहाँ पर, उसकी वजह से, क्योंकि हमारा जो रॉक स्ट्रेटा है अगर आपने देखा होगा कि मिट्टी में बड़े बड़े बोल्डर हैं, तो बारिश ज़्यादा गिरने की वजह से वो लूज़ होके वो नीचे गिरने लगे हैं। सो टू ब्लेम एंटायरली देम ऑन दीज प्रोजेक्ट्स आई थिंक इट्स फार फेच्ड। किन्नौर में ज़्यादातर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स हैं। इसका मतलब ये है कि पानी रोकने के लिए बड़े बड़े रिजर्वॉयर्स या जलाशय नहीं बनाए जाते हैं, उसकी जगह नदी के पानी को इस तरह की डायवर्जन टनल्स में मोड़ दिया जाता है। ये पानी पावर प्लांट तक पहुंचता है, पावर प्लांट इस तरह के पहाड़ों के अंदर बनाया गया है, बिजली बनने के बाद उसी पानी को इस तरह की डायवर्जन टनल्स से वापस बाहर निकाल दिया जाता है। इन टनल्स को बनाने के लिए इन पहाड़ों में ब्लास्टिंग की जाती है, उस ब्लास्टिंग की वजह से इन पहाड़ों में दरारें आ जाती हैं, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड्स होती हैं, बड़े बड़े पत्थर ऊपर से नीचे गिरते हैं, और आबादी वाले इलाकों में जहां इन पहाड़ों पर गांव बसे हुए हैं उन इलाकों में ये एक गहरी चिंता का विषय बन चुका है। ऐसा ही एक गांव है उर्नी। 1406 लोगों की आबादी वाला एक छोटा सा गांव जो 7,500 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसे पहाड़ के ऊपर बसा है जिसके अंदर से इस इलाके के एक बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंग गुजर रही है। एक ऐसा गांव जो सालों से घाटी में उफान मारती सतलुज नदी का गवाह रहा है, एक ऐसा गांव जो आज उसी सतलुज के पानी को हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए मोड़े जाने को अपनी मुश्किलों की एक बड़ी वजह मानता है। 62 साल के सनमजीत सिंह को 2 साल पहले अपना घर इसलिए छोड़ देना पड़ा क्योंकि उसमें बड़ी बड़ी दरारें आ गई थी। आज भी उनका बहुत सा सामान इसी घर में पड़ा है जिसमें वो अब रह नहीं सकते। उन्होंने हमें अपने घर का वो एक एक हिस्सा दिखाया जहां दीवारों से लेकर फर्श तक बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं। उनके घर की हालत को देखकर ये साफ था कि वहां रहना बहुत जोखिम भरा बन चुका था। ये कंपनी वालों ने कर दिया जी, जो कुछ भी किया ये नीचे टंडेल खोद दिया, उस वजह से ये सारा दस गया बेटा। हल्का आया था, ये भी हल्के हल्के आया था, उसके बाद फिर ज़्यादा ही आ गया। जब नीचे ब्लास्ट होता था ना जी, हिलता था जिस टाइम, एक मेरा पोतू वगैरह यहाँ बैठा होता ना, नीचे वो ब्लास्ट हो गया वो ना, वो हिल गया, वो डर गया वो जी। या तो ऊपर से वैसे डांक आएगा कभी ना कभी, या नीचे से चले जाएगा, तो परिवार तो ख़त्म हो जाएगा, फिर क्या फ़ायदा। जुगे जियो
अपने घर को छोड़ने पर मजबूर होने के बाद सनमजीत सिंह को अपने 8 लोगों के परिवार को कुछ वक्त तक एक टेंट में रखना पड़ा। अब उन्होंने अपने भाई के घर में पनाह ली है। गाड़े मेरा होंदा जंग लाती हो। किन्नौर के उर्नी गांव में इन दरारों की मार झेलने वाले सनमजीत सिंह अकेले नहीं हैं। 50 वर्षीय छेरिंग लामो के पति की मौत 2005 में एक सड़क हादसे में हुई। उसके एक साल बाद उन्होंने उर्नी गांव में ही मकान बनाया और कुछ जमीन पर सेब के पेड़ लगाए, लेकिन कुछ साल पहले उन्हें भी अपना घर छोड़ना पड़ा। स्लाइड होना थोड़ा थोड़ा इस दरारे आना शुरू हो गया सर। अच्छा, फिर हमें तो बहुत डर, बच्चे छोटे थे, मैं भी विधवा, क्या कर सकती थी। पूरा दस किया सर ये तो कमरे, फिर हमने मकान भी छोड़ दिया से। फिर परी रिश्तेदारी में किसी ने थोड़ा जगह दिया, वहाँ पर दो कमरे ऐसे बना दिया बैठने के लिए ना सर, फिर वहीं बैठते हैं हम अभी। तो मुझे तो आंसू आ जाते हैं, आए तो देखने को, अपने हाथ से बनाया सर ये सब कुछ। सनमजीत सिंह, छेरिंग लामो और उर्नी गांव के बहुत से लोग अपनी मुसीबतों की वजह उस 17 किलोमीटर लंबी सुरंग को मानते हैं जो करछम वांगटू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का हिस्सा है और जिसे बनाने के लिए उस पहाड़ के अंदर विस्फोट किए गए जिसके ऊपर उर्नी बसा है। 1000 मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता रखने वाले इस प्रोजेक्ट को भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट माना गया है। इस प्रोजेक्ट में सतलुज नदी के पानी को करछम में रोककर इस 17 किलोमीटर लंबी सुरंग के जरिए वांगटू तक पहुंचाया जाता है। इस प्रोजेक्ट को जेपी ग्रुप ने बनाया था, लेकिन 2015 में इसे जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने खरीद लिया। हमने उर्नी गांव के मसले पर जेएसडब्ल्यू से उनका पक्ष जानना चाहा, लेकिन कंपनी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। किन्नौर का जो लोकेशन, जियोग्राफिकल लोकेशन है, वो बहुत ही नाजुक एरिया में है, क्योंकि ये किन्नौर का जो 2/3 एरिया जो है वो ट्रांस हिमालय में आता है। ट्रांस हिमालय में बारिश कम होती है तो डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट और सेमी डेजर्ट है, तो वहाँ पर जो जियोग्राफी है वो बहुत नाजुक है, फ्रजाइल है। तो ऐसे में अगर आप उसे बनाते हैं तो नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि लोगों के ड्रिंकिंग वाटर के जो चश्मे होते हैं वो सूख जाते हैं और मकान गिर जाते हैं और रोड खराब हो जाते हैं, बहुत सारे नुकसान होते हैं। भारत की ज्यादातर बिजली की मांग कोयले से चलने वाले संयंत्र पूरी करते हैं। इन थर्मल पावर प्लांट्स का पर्यावरण और कोयला खदानों के आसपास रहने वाले समुदायों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। भारत की कुल बिजली पैदा करने की क्षमता में हाइड्रो पावर का हिस्सा मात्र 12% है। उत्तर भारत में बनने वाली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में से 50% हिमाचल प्रदेश में बनती है। पूरे भारत में बनने वाली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में से 20% हिमाचल प्रदेश में बनती है। दिलचस्प बात यह है कि हिमाचल प्रदेश जो 10,000 मेगावाट हाइड्रो पावर बनाता है, उसका करीबन 30% केवल किन्नौर में बनता है। तो आखिर क्यों यहाँ के लोग इन पावर प्रोजेक्ट्स का विरोध कर रहे हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में कोई खराबी नहीं है, बहुत जरूरी चीज है, उससे आपको बिजली मिलती है, अच्छी बिजली मिलती है, साफ बिजली मिलती है। मगर जिस तरीके से हम वो प्लांट बना रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक, दुनिया भर में अपने सेबों के लिए मशहूर किन्नौर में लोगों की आय का एक बड़ा जरिया साल में एक बार सेबों की बिक्री से होने वाली आमदनी है। लेकिन कई बड़ी लैंडस्लाइड्स की घटनाओं में स्थानीय लोगों ने अपनी वो उपजाऊ जमीनें भी गंवा दी हैं जिन पर उन्होंने सेब के बगीचे लगाए थे। इस वजह से भी लोगों में रोष है। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी चिंता चिलगोजे को लेकर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि किन्नौर के 80% वन चिलगोजे के हैं, और चूंकि इन प्रोजेक्ट्स के लिए चिलगोजे के पेड़ों को काटा जाता है, इसलिए इसका सीधा असर इस इलाके की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, क्योंकि चिलगोजे की बिक्री यहां की आय का एक बड़ा साधन है।
मसला केवल पावर प्रोजेक्ट्स का नहीं है। किन्नौर जैसे पहाड़ी इलाकों में सड़कें बहुत संकरी हैं और इन सड़कों को चौड़ा करने का काम चल रहा है। इस काम के लिए पहाड़ों में विस्फोटक लगाकर उन्हें ब्लास्ट किया जाता है। इस वजह से पहाड़ों के ऊपर से बड़ी बड़ी चट्टानें लैंडस्लाइड्स बनकर नीचे आ गिरती हैं। इन रास्तों से गुजरना बहुत जोखिम भरा बन चुका है। किन्नौर में बन रही स्थिति को पर्यावरण विशेषज्ञ जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज से जोड़कर भी देख रहे हैं। क्लाइमेटिक चेंज की वजह से टेम्परेचर्स भी बढ़ रहे हैं और रेनफॉल पैटर्न्स भी चेंज हो रहे हैं। किन्नौर में कहते थे कि इतनी जोर की बारिश एक साथ नहीं होती थी, जो अभी देखने को मिल रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इज ऑल्सो हायर। लैंडस्लाइड ऐसा नहीं है कि पावर प्रोजेक्ट्स बनने से ही आई है, उससे पहले भी काफ़ी साल से पावर ये जो है लैंडस्लाइड्स यहाँ होती रही है। अल्टीमेटली इट हैज़ टू बी साइंटिफिकली एनालाइज्ड। आप पहले यंगेस्ट माउंटेन रेंज, दूसरी तरफ से विकास जो आप कर रहे हैं इतनी बुरी तरह से कर रहे हैं, और तीसरी चीज़ जलवायु परिवर्तन, तीनों को मिला के अगर आप देखें तो आज के जो हादसे हैं वो तीनों के कारण हैं। तीनों चीज़ें उसके अंदर मिली हुई हैं। भारत जैसे विकासशील देश को ऊर्जा की जरूरत है और हाइड्रो पावर को ऊर्जा का एक साफ सुथरा स्रोत माना गया है, लेकिन किन्नौर जैसे इलाकों में बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगाने की कीमत अब दिखाई देने लगी है। इन प्रोजेक्ट्स को लगाने की वजह से इंसान और प्रकृति के बीच जो संघर्ष पैदा हुआ है वो अब सामने आ रहा है, और ये एक ऐसा संघर्ष है जिसका खामियाजा इंसान भुगतता दिखाई दे रहा है।